फैब्रिक जो मैंने लिया हुआ है, दिस इज़ अ ब्रोकेड फ्लोटिंग यार्न्स है, इसके यहाँ से कट गए हैं। दिस आई गॉट इट फॉर 100 rupees पर मीटर एंड आई बी ट्रेसिंग इट। मैं कॉलर बना रही हूँ, अभी तक मैंने कॉलर सोचा नहीं है कौन सा बनाना है। दिस इज़ माई बॉडिस, सो माई क्लास इज डिलेड बाई हाफ एन आवर, सो आई यूटिलाइज दैट टाइम, क्योंकि उसके बाद मैं करने नहीं वाली कभी। तो यस्टरडे आई डिड सम ऑल्ट्रेशन इन द माई बॉडिस, सो आई बी डूइंग इट। I've traced it down, अगर दिख रहा है तो एल बी, ये रहा मेरा बॉर्डर, इसे ट्रेस करना, एल बी कटिंग इट ऑफ। सो तो आज का इतना काम काफ़ी है, नीचे से आनी बन उसको ठीक करना है, बाकी साइड से इट्स वेरी परफेक्ट, इट्स जस्ट डन इतना एंड आई बी डूइंग फर्दर। अभी आज के लिए इतना हुआ है, दो फ्रंट ट्रेस करे हैं, बैक ट्रेस बाद में कर लूँगी आके ब्रेक में। एंड या दिस इज डन अभी तक। सो एज आई सेड, दिस वॉज माई सेकेंड डे, क्योंकि मैं फर्स्ट डे पे इतना ही मैनेज कर पाई थी। तो सेकेंड डे में मुझे आधा बॉर्डर सिलना था, सो आई जस्ट कट द पीसेज जो कल काटे थे एंड उसके बाद आयरन करके मैं अपने दांत सिलने के लिए बैठ गई थी। एंड येस, अब मुझे अपनी मशीन काफ़ी ज़्यादा बेटर चलानी आ गई है कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में हम लोगों को एक्सरसाइज दी गई थी क्यू टू सीव अ स्ट्रेट लाइन्स, जो मुझसे तब भी नहीं हो रहा था, बट नाउ आई एम एबल टू स्टिच। एंड येस, आई लव स्टिचिंग, आई डोंट लाइक पैटर्न मेकिंग, क्योंकि पैटर्न मेकिंग इज़ सच अ हेडेक भाई, इतनी मेजरमेंट्स ले लेके बनाना इज़ नॉट ईजी। सो येस, आई विल बी कम्प्लीटिंग इट आज ही। एंड ये हम बैक टैग मारते हैं स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द स्टिचेस में, उसके बाद सीजर से कट करते हैं। एंड आजकल इफ़ वी वेंट टू द इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ में ये टाइम लगता है सीजर उठा के थ्रेड काटने में, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाता है, दे हैव अटैच सम ऑटोमेटिक थ्रेड काटर्स जो कि पेडल से ही क्लिक करके एक बारी में पुश करके आपका थ्रेड कट हो जाएगा। सो दिस इज़ द इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट जो कि बहुत टाइम पहले भी थी बट हम लोगों ने ऑब्वियसली अभी देखी। तो दिस वॉज द थिंग जब हम इंडस्ट्री विजिट गए थे तो हम लोगों ने नोटिस करा था। एंड ऑलवेज कट द थ्रेड्स ऑफ योर यू नो बॉडिसेज एंड ऑल दैट, एंड आई विल बी ट्राइंग इट ऑन मी कि हाँ आ रहा है कि नहीं। एंड येस, दैट वॉज इट अभी के लिए। उसके बाद मैं जाके ड्रेस फॉर्म्स पे लगा के देखने वाली हूँ कि मेरे ड्रेस फॉर्म पे कैसा फिटिंग आएगी, विच इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ अ ड्रेस फॉर्म ऑफ साइज़ 8 एंड आई हैव सीन ऑल द पार्ट्स अभी के लिए, सिर्फ शोल्डर करा है और बाकी के फ्रंट डार्ट्स एंड बैक डार्ट्स ऑफ बोथ द साइड्स राइट एंड लेफ्ट आई हैव डन। प्लैकेट भी कर लिया है, इन दी प्लैकेट द बटन एंड द बटन होल, हम एक में फ्यूजिंग लगाते हैं और एक में नहीं लगाते, तो यू कैन सी मैं इसको फिट करके देख रही हूँ कि आ जाए कि नहीं आ जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग अगर तुम्हारा फिट आ जाता है, एंड इफ़ नॉट इट्स द वर्स्ट। अच्छी सुंदर हो गए बिल्कुल, बाल खोल के बिल्कुल, और हेल्दी है। अरे भाई,
गाइस आज फ्राइडे 13 है और हम आलू पराठे खा रहे हैं। थियो के अपोजिट हम थियो भी जा सकते थे, या तो नहीं हमारे पास पैसे नहीं, बट हम नहीं नहीं थियो के नहीं है पैसे, जस्ट हम ब्रोक है इसलिए हम नहीं जा पाए। मैं अभी अभी उठी हूँ, ऐसे नहीं कि हम जा नहीं सकते, जा सकते पर हम मैच्योर इनफ है कि हम लोग नहीं जा रहे। बटर नान चलो ना यार, बटर चाट मसाला एंड इसका मसाला है फॉर द लोकेशन। हॉस्टल सीधा के थियो से अपोजिट ये पराठा बहुत अच्छा है, मैं जब से खाया मैं तब से खाती जा रही हूँ। ये हिरन दानी क्रॉस नहीं करना, जस्ट के अपोजिट आ जाना है। फ्रॉम 55 द पराठा स्टार्टिंग गाइस, इट्स टू यम। नहीं आ रही, मैं सोऊंगी, तो समझ रही है। कल में कॉलेज सबसे पीछे बैठते क्योंकि सबसे पीछे थोड़ी ठंडी रहती है, आगे साइड बहुत गर्मी होती है। भाई तो रूम में आज गर्मी होगी, मैं नहीं बैठ रही। अभी ये खाली है बट रात को पूरी भर जाती है, ये इतने बच्चे आ गए हैं। काम चल रहे हैं, उन्नति सुबह से मेहनत कर रही है कुछ तो, फोटोशॉप नहीं कैनवा पर। प्रतीक्षा भी सीम रिपर, दिस इज द बॉक्स जो उन्नति कितने का है, ये 300 का बॉक्स है जो लेना पड़ गया था। सॉरी बोल काट दूंगा। ओके हम देखेंगे आज सीम रिप कैसे होती है। गंदी सी स्टिच चाहिए इसके सीम रिप करने। अरे मतलब एक गंदी सी मशीन है, मतलब दिस इज़ वेरी यूज़फुल बट मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है। मैं रो गई थी इसको करते करते, लाइक मैं लेजिट रो गई थी, मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इतने 30 मिनट्स इसमें वेस्ट करे थे। तो इससे ऐसा कुछ बनता है, मतलब अगर आप हाथ से बनाते तो इट टेक्स मोर टाइम एंड दिस इज़ अ डिवाइस कॉल्ड फोल्डर एंड इसे मैं बायस स्ट्रिपिंग कर रही हूँ। दिस इज़ अ बायस स्ट्रिप जिसके अंदर जाएगी एंड इसको हम ऐसे कर देते हैं एंड मैं इसका चीज़ें निकालती हूँ क्योंकि मैंने इसको वापस स्ट्रिप करा है एंड दिस आई लव इट एंड आई हेट एट द सेम टाइम वाला गाना इसे बिल्कुल मैच होएगा बिकॉज इट्स सो टायरिंग। मतलब इससे देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है, अपने आप आती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस एक स्ट्रिप डालनी होती है और एक करना होता है। तो आई एल जस्ट डू इट एंड उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, आई जस्ट हैव टू डू दी हेम एंड आई एम डन। बस मुझे इसका ये भी करना है एक बार, आई एल बी डन विद इट आज का असाइनमेंट ख़त्म करके एंड आई एल रन। ये ऑटोमेटिक मशीन है, मुझे नहीं चलानी सिखाई किसी ने, मैंने खुद से बैठ के सीखी है जैसे तैसे मर मर के। यहाँ से स्विच होता है, मेरे साथ बस कुछ होना है इसमें टचवुड एंड या तो ये बना लिया हमने मर मर के। आई डोंट लाइक द कॉलर बट इसका सही बन जाता है। नीचे से थोड़ा सा खींचना पड़ेगा भाई, खींच जा भाई। मैम के सामने ऊपर हो गया ना तो हो गया फिर मेरा। उधर वेस्ट लाइन मेरी पहली बार सही से बैठी है क्योंकि मैंने बढ़ाई थी इस बार अपनी वेस्ट लाइन। ये भी हो जाएगा तो अभी के लिए तो मुझे सही लग रहा है एंड मैं इसकी खोल के अगर फिनिशिंग दिखाऊँ तो आम होल में नहीं वाला फोल्डर से करा है वहाँ पर जो मैं
बेहोश होने वाली थी करते करते। तो स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, क्या बताऊँ। ये करने में मुझे 20 मिनट लगे थे लास्ट, मतलब 20 मिनट मेरी मशीन सेटअप होने में लगे थे। अब बॉबिन मैंने अभी कि अपने किसी क्लासमेट का लिया, ध्रुव का लिया, तो मेरा तब जाके हुआ, वरना मेरा पीछे से यहाँ से बैक स्टिच होती थी, गंदी फटा रही थी बैक स्टिच करके। इसको ऐसे करना है भाई, अंदर चला गया ना मैम रीडू दे देगी मेरे को। सारी फिनिशिंग जो यहाँ दी है भाई, तो लाइट इतनी गंदी जगह से आ रही है ना, अब सही है। तो इफ यू कुड सी द स्टिच, ये ऐसे दिए ताकि जब इसको ऐसे बंदा पहनेगा तो यहाँ से इट शुड लुक क्लीन, ठीक है। सो इट्स डन अभी। एंड ये प्लैकेट है, इस सेट मैंने फ्यूजिंग लगाई थी, एंड हेम लाइन मैंने हाथ से करी है क्योंकि मेरा फैब्रिक इसे घुसा दिया गया था मशीन के अंदर। मैं बताना नहीं चाहूँगी क्यों और किसने, बट यू कैन सी द स्टिच, मतलब अच्छा सही हुआ है इस बार का, मेरा टेस्ट फिट सही बना है। बस अंदर से दिखाती हूँ, ये वाली चीज़ जो होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड ओवरलॉक, 3 थ्रेड ओवरलॉक करते हैं हम लोग ये वाली मशीन से। 3 थ्रेड्स लगाने होते हैं ऐसे करके, और इससे यहाँ पे ओवरलॉक होता है। इफ़ किसी ने मेरी पहली वाली देखी जिसमें मैंने पिंक फैब्रिक का बनाया था, तो उसमें यूज़ हुआ था वो। अब इसमें प्रतीक्षा का भी सेम, हम दोनों ने सेम फैब्रिक लिया था, तो अब इससे हो जाएगा।